दोस्तों, मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर, उनकी किताब द रूल्स ऑफ मनी की हिंदी संस्करण दौलत के नियम में रूल नंबर 6 में यही बताते हैं कि अपनी धन संबंधी धारणाओं को समझे वो कहाँ से आई है। हम सभी धन संबंधी मिथ्या धारणाओं के साथ बड़े होते हैं। इनमें से बहुत सी धारणाओं हम अपने माता पिता और उनकी लालन पालन की तरीके से ग्रहण करते हैं। मुझे अभी अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। एक चवन्नी बचाने का मतलब एक चवन्नी कमाना। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि इसका क्या मतलब है। शायद मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी धन संबंधी धारणाओं इसी तरह की बकवास पर आधारित है। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों के अंदर धन संबंधी बहुत गलत धारणा होते हैं। चलिए क्या क्या उनका अंदर गलत धारणा होता है उसको देख लेते हैं। नंबर 1, पैसा सारी बुराई की जड़ है। नंबर 2, पैसा बुरी चीज है। नंबर 3, मैं अमीर बनने की काबिल नहीं हूँ। नंबर 4, पैसा सिर्फ लालची और बेईमान लोग कमाते हैं। नंबर 5, पैसा भ्रष्ट बनाता है। नंबर 6, आपके पैसे के बारे में डेंगी नहीं हकनी चाहिए। कभी मत बताओ कि आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है या अपने चीज पर कितना खर्च किया है। नंबर 7, पैसा होने पर आध्यात्मिक शुद्धता कायम नहीं रह सकती है। नंबर 8, अमीर बनने पर आपको दोष छूट जाते हैं। नंबर 9, अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। नंबर 10, खुशी और पैसा एक साथ में कमाया नहीं जा सकता है। नंबर 11, आपके पास जितना ज्यादा होगा आप उतने ही ज्यादा की इच्छा करेंगे। नंबर 12, गरीब लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। नंबर 13, ईश्वर मुझे अमीर बनने नहीं दिया, नहीं तो मैं कब तक अमीर बन गया होता। नंबर 14, मैं अमीर बनने के लिए सही आदमी नहीं हूँ। इन धारणाओं पर सरासरी नजर डालकर देखें कि इनमें से कितनी बातों पर आप यकीन करते हैं। जांच करें किस बात से आपके भीतर तार झंझनाने लगते हैं। अब आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, अपनी ऐसी धारणाओं को लिख ले। कुछ ऐसी धारणाओं भी होगी जिन्हें लिखना शायद मैं भूल गया होऊंगा, उन्हें भी लिख ले। आप यह पता लगाए कि आपके भीतर के धारणा कहाँ से आई है। क्या आपने इनके बारे में सचमुच सोचा है, तर्क किया है, शोध किया है, या फिर अपने इन्हें विरासत में रास्ते में पड़े हुए पाया है और उठा लिया है। जो धारणाओं सच नहीं है, बकवास है, उनसे पीछे छुड़ा ले। उन धारणाओं को खिड़की से बाहर फेंक दे जो आपकी राह में खड़ी है, आपका रास्ता रोके हुए है और आपको अमीर नहीं बनने दे रही है। अब आपका पास इनमें से एक भी धारणा बचनी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ गोरा पन्ना। अब पन्ने पर इस तरह के नए विश्वास लिख सकते हैं। पैसा अच्छी चीज है, पैसे की इच्छा अच्छी बात है, मैं दलनमंत बनने जा रहा हूँ, मैंने मेहनत करने के लिए कमर कस ली है। दलनमंत लोग धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं नहीं होती है जिस तरह से गरीब लोगों में होती है। उन्होंने या तो उनसे छुटकारा पा लिया है या फिर उनमें कभी थी ही नहीं। अगर हम भी उनसे छुटकारा पा लें तो हमारे भी अमीर बनने की उम्मीद बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस किताब को जो रूल 6 उसको थोड़ा और एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर 1,
फाइनेंशियल एडुकेशन स्कूल में और कॉलेज में सिखाया नहीं जाती है। नंबर टू, गरीब लोगों में धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं होती है। नंबर थ्री, दौलतमंद लोगों में धन संबंधी का नकारात्मक धारणा नहीं होता है। नंबर फोर, बचपन में अपने मम्मी पापा और आसपास से धन संबंधी गलत धारणाओं सीख लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना और पास से रहने वाला बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जब भी हम नया नया वीडियो को अपलोड करें आपका पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।